गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट, टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 1 0.4 डिवाइड बाय 2 डिवीजन है डेसिमल डिवीजन ऑफ डेसिमल्स डेसिमल्स को कैसे डिवाइड करते हैं अगर न्यूमरेटर डेसिमल में है देन देयर इज नो प्रॉब्लम आप जैसे डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड करिए जैसे देखिए 2 डिवाइड बाई 0.4 डिवाइड बाई 2 0.4 को 2 से डिवाइड करना है बिकॉज हेयर इट इज डेसिमल पहले ही रखा हुआ है तो 2 टेबल पढ़ेंगे आप 2 टाइम्स लेकिन पहले डेसिमल है तो यू विल हैव टू पुट द डेसिमल फर्स्ट तो पुट द डेसिमल फर्स्ट इसमें लगाया आपने अब 2 टू 4 Your answer is 0.2. Similarly, 651.2 divided by 4. देखिए 4, 1 जा 4, बचा 2, 25. 4, 6 जा 24, बचा 1. Means 11. 4, 2 जा 8. 11 minus 8, 3. आपके पास बचा 32 और देखिए 32 मीन्स यहाँ डेसिमल है 3.2 तो यहाँ तक तो ठीक था 1 जा 6 जा और 2 जा नाउ हियर इट्स डेसिमल तो 32 जब आप आएगा 4 8 जैसे 32 तो आपको यहाँ पे डेसिमल पुट करना पड़ेगा ठीक है इसको आपको सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं 4 डिवाइडेड बाय 651.2 देखिए यहाँ पे हो गया 4 1 जा 4 25 4 6 जा 24 1 11 4 1 जा 4 2 जा 8 ठीक है तो अब बचा 3.2 है ना 3.2 3.2 को 4 से डिवाइड करना है तो डेसिमल है 0.8 कि आंसर आ गया 0.8 ठीक है ना द सेम वे अब अगर डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 है दैट इट्स वेरी इजी जितना जीरो है डेसिमल उतना लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा ये 4.8 था तो इसका जब आंसर आप लिखेंगे तो डेसिमल विल शिफ्ट टू इट्स लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट करने का मतलब एक प्लेस अगर एक जीरो है मतलब 10 है तो वन प्लेस तो 0.48 इसी तरह से अगर 100 होता तो यहाँ पे जो एक ही प्लेस है तो आपको जीरो पुट करना पड़ता 0.048 यहाँ पे देखिए 272.23 तो डेसिमल के बाद 27 पॉइंट हो जाएगा एक इधर शिफ्ट हो जाएगा तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 कि 100 था हंड्रेड था याद देखिएगा 100 देन 2.7 अपॉन 100 मीन्स 0.02 एक ही बात एक ही प्लेस है 2 से पहले कोई नंबर नहीं है तो 0 पुट करके हमने 0.27 लिखना 1000 मतलब जितना 0 उतना लेफ्ट शिफ्ट करना है आपको तो आपको देखना है कितने डिजिट्स बच रहे हैं एक ही है यहाँ पे तो 2 0 आपने बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि 3 1000 है ये तो 1 2 ये 3 यहाँ था इसके बाद 3 शिफ्ट करने के लिए एक जीरो फिर दूसरा जीरो नाउ अगर डिनोमिनेटर डेसिमल में है तो उसके लिए आपके सबसे पहले उसका डेसिमल हटाना पड़ेगा 3.5 मीन्स इंटू टेन कर दिया तो 35 और 70 अब आप इसको आसानी से 70 तो 35 से डिवाइड कर सकते हैं 35 2 70 यहाँ पे देखिए 1.3 एक था तो 10 से अगर 2 होता मान लीजिए 1.23 होता तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता मतलब जैसे डिवाइड का है वही इसमें भी है तो 1.3 इंटू 10 2.73 इंटू 10 किया तो 27.3 ये हो गया 13 अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं तो ट्राई टू सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट इसी क्वेश्चन बचा हुआ है तो सॉल्व एक्सरसाइज 2.7 जो होमवर्क थैंक यू